हे दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आपको वाराणसी की एक छोटी सी यात्रा पर ले चलता हूँ जो भारत के सबसे पुराने और आध्यात्मिक शहरों में से एक है। लेकिन आज का ये दौरा थोड़ा अलग है क्योंकि हम बात करेंगे 2024 के मानसून में शहर में आई बाढ़ के बारे में। वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं, अपने घाटों के लिए मशहूर है। वो सीढ़ियां जो सीधे गंगा नदी तक जाती है, लेकिन अभी 80 घाट का दृश्य बिल्कुल भी शांत नहीं है। भारी मानसून की बारिश से गंगा उफान पर है, जिससे घाट और शहर के कुछ हिस्से पानी में डूब गए हैं। जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF हाई अलर्ट पर है। आप उनकी टीमों को घाटों पर तैनात देख सकते हैं, जो निवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उनका सक्रिय दृष्टिकोण बहुत जरूरी है क्योंकि पानी का स्तर बढ़ रहा है और स्थिति जल्दी बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं 80 घाट की। आमतौर पर यह गतिविधियों का केंद्र होता है, जहां तीर्थयात्री पूजा करते हैं, पर्यटक नाव की सवारी करते हैं और स्थानीय लोग नदी के किनारे के माहौल का आनंद लेते हैं। लेकिन अभी यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। घाट पानी में डूबे हुए हैं और जो सीढ़ियां कभी पवित्र नदी तक जाती थी, वो अब बाढ़ के पानी के नीचे छिपी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने मौसम की चेतावनी जारी की है, जिसमें और भारी बारिश और संभावित बाढ़ की चेतावनी दी गई है। यह याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित और शक्तिशाली हो सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के लिए जारी रेड अलर्ट इस साल मानसून के प्रभाव के पैमाने को रेखांकित करता है। इस तरह की बाढ़ सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है, वे एक बड़ी वैश्विक चुनौती का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन अधिक तीव्र और लगातार मौसम की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। मध्य एशिया में आई बाढ़ इस अंतर संबंध की एक स्पष्ट याद दिलाती है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान, कजाकिस्तान से रूस तक भारी बारिश ने कहर बरपाया है, हजारों को विस्थापित किया है और जीवन का भारी नुकसान हुआ है। वाराणसी में वापस शहर का लचीलापन पूरे प्रदर्शन पर है। स्थानीय अधिकारियों और NDRF के नेतृत्व में समुदाय एक साथ आ रहा है। यह यहां के लोगों की भावना का प्रमाण है, जो शक्तिशाली गंगा द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से अनजान नहीं है। तो अगर आप वाराणसी में हैं या आने की योजना बना रहे हैं, तो सुरक्षित बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से बचें और स्थानीय सलाह का पालन करें। घाट जल्द ही अपने चहल पहल वाले रूप में लौट आएंगे, लेकिन अभी के लिए सावधानी ही कुंजी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अधिक अपडेट के लिए बने रहें और अधिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।